पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसने भी बैक टू बैक एक से बढ़कर एक सक्सेसफुल हिट मूवीज, पर आखिरकार इतनी ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइज की चमक इतनी ज्यादा फीकी कैसे पड़ गई? तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे हुई थी मार्वल की शुरुआत और किन वजहों से मार्वल की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा कम हो रही है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको इस जैसी और वीडियो देखने को मिल सके। मार्वल की शुरुआत के लिए हमें जाना होगा साल 1930s के टाइम पर, जब कॉमिक बुक की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में बढ़ रही थी और साल 1938 में एक्शन कॉमिक नंबर 1 एडिशन में सुपरमैन के लॉन्च होने के बाद दुनिया को पहली बार सुपर हीरो की छवि मिली। उस टाइम पर ही इस कॉमिक की सक्सेस के बाद लोगों को ये अंदाजा तो हो गया था कि आगे आने वाले सालों में सुपर हीरो बिजनेस में काफी ज्यादा पोटेंशियल होने वाला, जिसके बाद साल 1939 में एक बी ग्रेड पल्प मैगजीन पब्लिशर मार्टिन गुडमैन ने कॉमिक की बढ़ती पॉपुलैरिटी देखकर टाइमली पब्लिकेशंस नाम की कंपनी शुरू करी, जहां उन्होंने मार्वल यूनिवर्स की पहली कॉमिक मार्वल कॉमिक नंबर 1 एडिशन लॉन्च किया, जिसमें द ह्यूमन टॉर्च और सबमरीनर जैसे पॉपुलर कैरेक्टर को पहली बार शोकेस किया गया। ये कॉमिक लॉन्च होते ही काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई और यहां तक कि एक महीने के अंदर ही इस कॉमिक की 90,000 से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी थी। हालांकि मार्वल कॉमिक की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बाद भी उन्होंने अपनी कॉमिक को मार्वल्स के नाम से पब्लिश करना शुरू नहीं किया था, बल्कि आगे आने वाले टाइम में उन्होंने अपनी कॉमिक्स को टाइमली पब्लिकेशन की जगह एटलस कॉमिक के नाम से मार्केट करना शुरू किया और एक से बढ़कर एक बेहतरीन कॉमिक्स लॉन्च करते चले गए, जिसके बाद जाकर साल 1941 जहां एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ राइटर जो साइमन और जैक किर्बी ने मिलकर आम जनता के बीच देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कैप्टन अमेरिका कॉमिक का फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया। वर्ल्ड वॉर के उस दौर में कैप्टन अमेरिका जैसे पैट्रियोटिक हीरो को फौरन ही सफलता मिल गई, जिसके बाद इस कॉमिक ने 1 मिलियन कॉपीज बेचने का रिकॉर्ड तक अपने नाम किया, जिसके बाद मिस अमेरिका, डिस्ट्रॉयर और विजन, ये वाला नहीं ओरिजिनल वाला, ये विजन लॉन्च किया। और साल 1944 में ही जाकर पहली बार हमें कैप्टन अमेरिका जैसी मूवी स्क्रीन में देखने को मिली। हालांकि आगे चलकर कंपनी ने कई और उतार चढ़ाव देखे, लेकिन साल 1961 के बाद से ही मार्वल कॉमिक इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ, जब एटलस कॉमिक के एक राइटर ने फैंटास्टिक फोर का पहला एडिशन लॉन्च किया और वो राइटर कोई और नहीं थे बल्कि हम सब के पसंदीदा स्टैनली थे, जिसके बाद जाकर स्टैनली ने एक से बढ़कर एक कॉमिक कैरेक्टर जैसे कि स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन और थॉर जैसे सोच से भी परे कैरेक्टर्स लॉन्च करके कॉमिक इंडस्ट्री का इतिहास पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और साथ ही इन कॉमिक्स को स्टैनली ने मार्वल ब्रांड के अंदर मार्केट करना शुरू किया और मार्वल की पॉपुलैरिटी कॉमिक फैन के बीच आसमान छूने लगी। और मार्वल की बढ़ती पॉपुलैरिटी के वजह से ही लेट 60s और 70s में आयरन मैन, हल्क, स्पाइडरमैन जैसे मूवीज और सीरीज को टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया, जिसके बाद जाकर अब 90s के दशक में टेलीविजन सेट्स अब हर जगह आ चुके थे और एक से बढ़कर एक टेलीविजन सीरीज टेलीकास्ट हो रही थी, जिसकी वजह से कॉमिक बुक इंडस्ट्री की चमक अब फीकी पड़ने लगी थी और लोग अब कॉमिक्स को पढ़ने की जगह सिर्फ कलेक्ट करने के लिए खरीद रहे थे। अपने बढ़ते लॉसेस को देखते हुए मार्वल ने एक्समैन के मूवी राइट्स को 20th सेंचुरी फॉक्स को बेच दिया, पर फिर भी 1996 में बढ़ते लोन्स की वजह से मार्वल को बैंकरप्सी तक फाइल करनी पड़ गई और साल 1998 में जाकर मार्वल को टॉय बिज नाम की कंपनी ने अक्वायर कर लिया, जिसके बाद जाकर साल 1999 में मार्वल ने स्पाइडरमैन कैरेक्टर के फिल्म राइट्स सोनी को हर मूवी रिलीज होने पर $10 मिलियन और मूवी के प्रॉफिट से 5% प्रॉफिट शेयर की डील के साथ बेच दिए, जिसके बाद जाकर साल 2002 में सोनी बैनर के अंडर स्पाइडरमैन मूवी को रिलीज किया गया। मूवी हद से ज्यादा सक्सेसफुल हुई और साल 2004 में स्पाइडरमैन का सेकंड पार्ट रिलीज किया गया। Oh, she'll be just fine. Let's talk. और 2007 में थर्ड पार्ट। जिसके बाद साल 2008 में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंडर पहली मूवी आयरन मैन रिलीज हुई।
मूवी की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से MCU के अंदर एक से बढ़कर एक यूनिक स्टोरी लाइन के साथ मूवीज रिलीज होती चली गई। साल 2009 में वॉल्ट डिज्नी कंपनी ने $4 बिलियन की डील के साथ मार्वल स्टूडियो को अक्वायर कर लिया। अगर आप वॉल्ट डिज्नी की इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में है। साल 2012 में फेज 1 की फाइनल मूवी एवेंजर्स रिलीज हुई। सिर्फ एक ही मूवी में इतने ज्यादा सुपर हीरो की स्टोरी लाइन और सौ से भी ज्यादा बेहतर एक्शन सीन्स की वजह से मूवी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए $1.5 बिलियन की टोटल कमाई करी, जिसके बाद जाकर फेज बाय फेज मार्वल एक से बढ़कर एक मूवीज रिलीज करता चला गया और यहां तक कि अपने खुद के पुराने रिकॉर्डों को तोड़ता गया। और साल 2019 में एवेंजर्स एंडगेम के रिलीज के बाद फेज 3 का भी एंड हुआ और मूवी ने $2.7 बिलियन की कमाई के साथ दुनिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी का रिकॉर्ड अपने नाम बनाया। लेकिन ऐसा हुआ क्या फेज 3 के बाद कि मार्वल्स की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद भी फैंस के बीच मार्वल मूवी का क्रेज धीरे धीरे कम होने लगा। यहाँ तक कि कुछ मूवीज रिलीज होने के बाद मार्वल फैंस सोशल मीडिया पर मार्वल्स मूवीज को क्रिटिसाइज तक करने लगे। किसी भी एक्शन फैंटेसी सुपर हीरो की मूवी की मेन जान होती है उसके एक्शन सीन्स और CGI, जहाँ एक टाइम पर मार्वल के अद्भुत CGI और एनिमेशन ने व्यूअर्स को एक रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस दे रखा था। वहीं फेज 4 की कुछ फिल्म्स और सीरीज ने हद से ज्यादा खराब CGI इफेक्ट से मार्वल फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच में ये मूवीज 2020s के टाइम रिलीज हुई है, क्योंकि अर्ली 2000s और यहाँ तक कि 90s के टाइम की कुछ मूवी के CGI इफेक्ट आज की मार्वल से काफी ज्यादा बेहतर थे। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जो कि फेमस है बियॉन्ड रियलिटी स्टोरी लाइंस और कैरेक्टर के लिए एवेंजर्स एंड गेम के मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के बाद मार्वल फैन की एक्सपेक्टेशन मूवी फ्रेंचाइज से हद से ज्यादा बढ़ गई। पर फेज 4 के बाद रिलीज हुई मूवी या सीरीज एक क्लियर डायरेक्शन में नहीं जा रही है, जिससे ऑडियंस को इतने बड़े यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने में काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस टाइम पर हर एक मूवी बस अपने ही डायरेक्शन में चल रही है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की पहली मूवी 2008 की आयरन मैन से 2019 की एवेंजर्स एंडगेम तक की जर्नी ने एक बहुत ज्यादा गहरा कनेक्शन बनाया है मार्वल फैंस के बीच इन कैरेक्टर्स को लेकर। और यहां तक कि जब ये मूवीज रिलीज होना शुरू हुई, हम में से कई फैंस तो सिर्फ स्कूल में ही थे और एकदम से ही इन कैरेक्टर को खत्म होता देखकर उनकी जगह नए कैरेक्टर्स को देखना मार्वल्स के फैंस के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है मार्वल की गिरती पॉपुलैरिटी। वैसे तो मार्वल के फेज 4 में हद से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं और तो है मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट के बाद कई और कैरेक्टर की एंट्री की रूमर्स भी काफी उठ रही हैं, लेकिन इतने कैरेक्टर होने के बाद भी और पुराने कैरेक्टर के एग्जिट से मार्वल्स को हॉलीवुड के बड़े चेहरों की कमी महसूस हो रही है। हालांकि जो दिग्गज चेहरे मार्वल में इस टाइम पर मौजूद है, उन एक्टर्स को भी मार्वल एक साइड कैरेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को वांडा से भी कम लाइमलाइट दी गई, और यहां तक कि कुछ फैंस ने इस मूवी को वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की जगह पर, और अगर कहीं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर को व्हाट इफ जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की कैरेक्टर की तरह शोकेस कर देते तो शायद ये मूवी फैंस की एक्सपेक्टेशन तो और बेहतर तरह से पूरा कर पाती। तो आपके हिसाब से मार्वल का फ्यूचर कैसा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए यही कुछ रीजंस जिसकी वजह से मार्वल का फेज 4 एक डिक्लाइन फेज पर चल रहा है अगर इनको पुराने फ्रेंचाइज से कंपेयर करें। लेकिन किस टाइम भी मार्वल हमारे एक्सपेक्टेशन को एकदम से नया मोड़ दे दे, इसका अंदाजा फिलहाल के लिए अभी लगाना तो मुश्किल। तो आपका मार्वल्स फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, जिसकी वजह से आप मार्वल की मूवीज देखते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।